है आरजे जी के महेंद्र यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो कि रीट L2 SST सामाजिक विज्ञान, जो कि SST सामाजिक विज्ञान की इसके कट ऑफ क्या रहने वाली है, जो अंतिम जो पहले की जो कि एक दो गुना की कट ऑफ आपने देख ही ली है, और जो अंतिम अंतिम कट ऑफ फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि जो कि इसमें जो SST के अंदर कितनी सीटें थी दोस्तों, SST के सीटें कितनी थी और कितने अभ्यर्थियों को पास किया गया, ये सब सारी डिटेल देखेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों आइए चलिए दोस्तों कि जो सामान्य शिक्षा है जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर जो कि SST है सामाजिक शिक्षा है, सामान्य शिक्षा उसके अंदर कितने पद है दोस्तों, जो कि कुल तो 4251 पद है। कितने 4251 पद है, जिसमें से TSP के नॉन TSP 3593 पद, कितने 3593 पद नॉन TSP के, और 658 पद, कितने 658 पद TSP क्षेत्र के रिजर्व है। तो दोस्तों तो ये हमारे पास कितने पद हो गए, 4200 टोटल में से। इसमें से अब नॉन TSP की बात करें तो 8251 में से नॉन TSP के 3593 पद हमारे पास हो जाते हैं, 3593 पद। तो इनमें से कितनी मेरिट जाएगी दोस्तों, कितनी अभ्यर्थियों को पास किया गया, तो दो गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया। तो दोस्तों 4251 को दो गुना करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 8300 विद्यार्थियों को लगभग पास किया गया। कितने 8300 विद्यार्थियों को पास किया गया, जिसमें नॉन TSP क्षेत्र के 7100 अभ्यर्थियों को पास किया गया। तो दोस्तों आइए अब मेरिट के बाद में चर्चा करेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। सीटें आपने देख ही लिए होगी कितने 3593 नॉन TSP के अंदर आती है दोस्तों, जो कि कल मेरिट है दो गुना की मेरिट आई थी, कितनी दो गुना की जो कट ऑफ थी, कट ऑफ दो गुना की कट ऑफ क्या रहती दोस्तों, और उसी के आधार पर हम फाइनल के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट की कितनी रही थी, तो दोस्तों 206.85। तो दोस्तों अगर बात करें कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली, तो फाइनल कट ऑफ की बात करें तो उसके अंदर कितने के नंबर बढ़ेंगे, तो दोस्तों फाइनल नंबर की बात करें, फाइनल कट ऑफ की बात करें कि फाइनल कट ऑफ में कितने के नंबर बढ़ेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ज़्यादा अंक नहीं बढ़ेगा इसमें, छः से लेकर सात नंबर बहुत अधिक हो जाती है दोस्तों, 6 से लेकर 7 नंबर, इससे ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे नहीं। तो दोस्तों कितने बढ़ेंगे, तो SST के अंदर 6 से लेकर 7 नंबर अधिकतम बढ़ने की संभावना, लेकिन अगर आपके 4 से प्लस है, अगर 3, 4 और 5 नंबर भी अगर आपके ज़्यादा है अपने कट ऑफ से, तो दोस्तों आप में पूरी उम्मीद रख सकते हैं और आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना, लेकिन जो अधिकतम बता रहा हूँ 6 से लेकर 7 अंक जो अधिकतम है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी दोस्तों। और 6 से 7 अंक अपने जो नंबर है उनमें ऐड कर ले, और इससे 6 से 7 नंबर बहुत हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें सीटें कम है और इसमें ज़्यादा गैप नहीं है दोस्तों। जनरल की और जनरल की कट ऑफ 206 और OBC की बात करें तो दोस्तों 201, तो ज़्यादा OBC और जनरल में ज़्यादा गैप नहीं है। तो दोस्तों जब ज़्यादा गैप नहीं होता तो दोस्तों कट ऑफ बढ़ने की बहुत कम संभावना रहती है। तो दोस्तों इसमें 6 से लेकर 7 नंबर बहुत अंक हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर औसत की बात करें तो कितने 6 अंक बढ़ने की संभावना है, 5 से लेकर 6 अंक अगर आपके हैं तो आराम से आप अपने आप को, अगर 7 नंबर प्लस है तो शेप मान सकते हैं, एकदम श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 6 से 7 नंबर तक आपके हैं तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 3, 4, 5 नंबर भी ज़्यादा है तो आप पूरी उम्मीद रख सकते हैं, आप पूरी उम्मीद आपके पास है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जो कि फाइनल कट ऑफ कितनी की रहने वाली अंदाजन, इसमें अगर 206 नंबर है तो 206 नंबर तो कितनी हो जाएगी, अब 206 की हो जाएगी। मेल की बात करें, मेल कैंडिडेट की कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों जो मेल जनरल के अंदर मेल कैंडिडेट 206, तो 206 के अंदर दोस्तों 6 नंबर ऐड करते हैं तो 212 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 212 नंबर अंक हो जाएगी, 200 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 212 नंबर हो जाएगी। और फीमेल की बात करें, 201 है, 201 में हो जाएगी, 207 के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, 207 कितने हो जाएगी, 207 के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो की और इसमें आप 6 नंबर ऐड कर लेना। तो उससे EWS की बात करें, कौन सा EWS की अगर बात करें, EWS के अंदर तो कितनी गई, EWS की जनरल की 189 में 6-7 अंक ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 नंबर 195, तो EWS के अंदर 195 कितने 195 नंबर तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, 195 कितने 195।
और फीमेल की 189, इसमें 195 तक हो जाएगा आराम से। एससी की बात करें दोस्तों, 182 एससी की जो जनरल कैंडिडेट की गई है, 182 में, इसमें थोड़ा सा आप 7 से 8 नंबर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब कब में 7 नंबर ऐड कर सकते हैं इसमें, तो 100 जनरल की 189 है 82, तो आपके अगर 189 या 90, कितने 189 या 90 नंबर आपके आते हैं, 189 या 90 नंबर, कितने 189 या 90 नंबर आके हैं, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो सब फीमेल की 174 है, 174 में आप 8 नंबर ऐड कर सकते हैं दोस्तों, 174 से हो जाएगा तो 182 नंबर पर, कितने 182 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, 182 नंबर पर। दोस्तों एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर और भी कम हो जाती है, तो थोड़ा इसी 70 में आप 8 नंबर जोड़ी तो 178 नंबर तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितने नंबर तक, अगर आपके 178 है तो अपने आप को श्योर मान सकते हैं 178 नंबर है तो। और दोस्तों बात करेगी जो फीमेल के अंदर भी इतनी की रहने वाली है, ओबीसी के अंदर बात करें दोस्तों, अगर जनरल 201 है तो ओबीसी के अंदर कम बढ़ेगी दोस्तों, ओबीसी के अंदर आप 6 नंबर मान सकते हैं, 5 से लेकर 6 नंबर ओबीसी के अंदर मान सकते हैं आप, क्योंकि ओबीसी और जनरल में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो ओबीसी के अंदर जो बढ़ती है ना वो कम बढ़ने की संभावना रहती है थोड़ी, तो जनरल 206 तो 207 नंबर अगर आपके हैं तो मेरे हिसाब से आप एकदम श्योर है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 207 नंबर है। तो फीमेल की 197, 197 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 204, लगभग 204 नंबर के आसपास आपके हैं, कितने 204 नंबर के पास आपके हैं, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एमबीसी की बात करें, एमबीसी की 190 गई है, 190 के अंदर आप 6 नंबर ऐड कर सकते हैं, 6 से 7 नंबर, कितने 6 से 7 नंबर ऐड कर सकते हैं, कितने हो जाएगा 196, कितने 196 में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कट ऑफ पर मैंने चर्चा की थी कि कितनी जाएगी, तो इसमें ज़्यादा नहीं बढ़ने की संभावना रहती है, इसमें 6 से लेकर 7 तो अधिकतम अंक बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, अगर आपके 3, 4, 5 है तो आपकी 5 नंबर है तो पूरी पूरी संभावना आपके, आप पूरी उम्मीद रख सकते हैं, आशा रख सकते हैं। तो दोस्तों जिनका भी हुआ उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और फाइनल कट ऑफ के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाए, बस ईश्वर से यही दुआ है। तो दोस्तों थैंक यू, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।